ट्रू कॉलर ऐप के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हो सकता है कि आप ट्रू कॉलर ऐप को यूज़ भी करते हो। तो अब वक्त आ गया है ट्रू कॉलर को गुड बाय कहने का। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब गूगल का एक ऑफिशियल ऐप आ चुका है, गूगल फ़ोन ऐप। ट्रू कॉलर एक सेफ़ ऐप नहीं है क्योंकि ट्रू कॉलर आपकी डिटेल अपने सर्वर पर अपलोड करता है। और दोस्तों, कोई भी इसकी VIP मेंबरशिप लेकर कोई भी अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाइड करा सकता है ट्रू कॉलर के द्वारा। और आपके पास कोई फ्रॉड कॉल करता है तो आपको पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि यदि जो फ्रॉड कर रहा है और उसने अपने मोबाइल नंबर को ट्रू कॉलर के द्वारा वेरीफाइड करा रखा है, VIP मेंबरशिप ले रखी है, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा। और ट्रू कॉलर आपको उस नंबर को वेरीफाइड दिखाएगा, यानी कि वो नंबर बिल्कुल सही है। तो आप सोचेंगे कि एक नॉर्मल नंबर है तो आप कॉल उठा लेंगे, तो इससे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो इसलिए देखिए, गूगल फ़ोन ऐप जो है वो बिल्कुल सेफ़ ऐप है। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको गूगल फ़ोन ऐप को कैसे यूज़ करना है। तो चलिए बिना देरी करें शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको जो है गूगल फ़ोन ऐप आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, आपको गूगल पर सर्च करना होगा गूगल फ़ोन ऐप। इसके बाद सबसे ऊपर ऐप आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और ये आपको प्ले स्टोर पर रीडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा होगा, योर डिवाइस इज़ नॉट कम्पेटेबल विद दिस वर्जन। तो आपको जो है यहाँ पर बीटा वर्जन ज्वाइन करना पड़ेगा तभी आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐप अभी बीटा वर्जन में है, क्योंकि ये ऐप नया है। तो नीचे आपको ज्वाइन कर लेना है बीटा वर्जन को। इसके बाद आपको कुछ देर तक वेट करना है और इसके बाद आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, थोड़ी देर बाद मैंने चेक करा तो यहाँ पर इंस्टॉल के लिए आ चुका है। तो अब मैं इस ऐप को इंस्टॉल कर सकता हूँ। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे लिखा है यू आर ए बीटा टेस्टर। जब कोई नई ऐप आती है तो उसे सबसे पहले बीटा प्रोग्राम में रखा जाता है, बीटा टेस्टिंग के बाद ही उस ऐप को ग्लोबल में पब्लिश किया जाता है। तो चलिए मैं अभी इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आपको बताता हूँ कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर सेट एज डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको सेट डिफ़ॉल्ट पर फिर से क्लिक करना है। तो इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट नंबर होंगे। और इसके बाद में आपको जो है कुछ सेटिंग करनी होगी इस एप्लीकेशन में। तो आपको यहाँ पर तीन डॉट्स पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप यदि यहाँ पर कोई नंबर ब्लॉक करना चाहते हो तो आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। आपको अलाउ पर क्लिक करना है तो आप यहां पर आसानी से ब्लैक लिस्ट में नंबर ऐड कर सकते हैं। जो मेन ऑप्शन है मैं आपको वही बताऊं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, बात करते हैं एक मेन ऑप्शन की, वो है कॉलर आईडी एंड स्पैम। इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर लिखा होगा सी कॉलर आईडी एंड स्पैम आईडी। तो आपको इसे इनेबल कर लेना है, ये ऑलरेडी इनेबल है। अब इसके बाद में आप इस एप्लीकेशन से किसी को कॉल करते हैं और यदि आपके पास कोई कॉल आती है और ऑप्शन और आ जाएंगे इसके नीचे। अभी यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, तो उन्हें भी आपको इनेबल कर लेना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से ऑप्शन और आएंगे अभी यहाँ पर। तो देखिए, दो ऑप्शन और आएंगे, एक आएगा फिल्टर स्पैम कॉल्स, एक आएगा वेरीफाइड कॉल। तो इन दोनों ऑप्शन को भी आपको इनेबल कर लेना है, ठीक है। इससे ये फ़ायदा होगा, यदि आपके पास कोई अननोन नंबर से कॉल आता है तो उसका आपको नाम पता चल जाएगा। और इसके बाद में यदि आपके पास कोई कंपनी कॉल करती है, यदि उस कंपनी का नंबर वेरीफाइड है गूगल के द्वारा, तो उस कंपनी की सारी डिटेल आ जाएगी और ये भी आ जाएगा कि वो कंपनी आपको किस कारण कॉल कर रही है। और यदि आपके पास कोई फ्रॉड कॉल करता है तो आपको पता चल जाएगा वो नंबर सस्पेक्टेड में होगा गूगल के द्वारा। तो इन तीन ऑप्शन को आपको जरूर इनेबल कर लेना है। तो देखो दोस्तों, अपने इस तरीके से आप गूगल फोन ऐप यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।